जेएनयू में हिंसा हुई, इस मामले में पुलिस ने नकाबपोशों का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान उनकी की है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत 9 लोगों के नाम लिए हैं। नाम इसमें हैं आयशी घोष के अलावा, इनमें पंकज मिश्रा, चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, योगेंद्र भारद्वाज, प्रिया रंजन, विकास पटेल डोनल का नाम है। इसमें से 7 संदिग्ध लेफ्ट से जुड़े हैं, जबकि 2 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यानी एबीवीपी से जुड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल का 4 छात्र संगठन एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा और डीएसएफ विरोध कर रहे थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि पिछले साल 28 अक्टूबर से ही ये 4 छात्र संगठन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। ये छात्रों को डरा और धमका रहे थे। पुलिस ने बताया कि जेएनयू हिंसा मामले में अब तक 3 केस दर्ज किए गए हैं और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। यहाँ का जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो सिंपथाइजर्स या मेंबर्स या जो भी आप बोलेंगे, देवर अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनका बल्कि पिछले साल अक्टूबर 28 से दे आर ऑन प्रोटेस्ट। तो आप लोगों ने काफ़ी कवर किया था कि वो फी हाइक और इनके काफ़ी सारे इश्यूज थे, तो वो कह रहे थे कि पहले इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद रजिस्टर करेंगे। पर जैसे अब मैं 4 दिन से जेएनयू में, काफ़ी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन वॉन्ट टू एक्चुअली रजिस्टर, बिकॉज नया साल शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। जो बेसिकली क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए थे जेएनयू इंसिडेंट में, तो उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रहा है और ये केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे जो हम मीडिया ब्रीफ करते हैं, वो एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है उसके बाद दिल्ली पुलिस मीडिया को ब्रीफ करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इस केसेस में मिस इन्फॉर्मेशन और जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। खासकर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग सोर्सेज को कोट करके बताया जा रहा है। तो ये जो मीडिया हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसका यही मकसद है कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जहाँ जो इंसिडेंट में एक चेन ऑफ इवेंट्स है, उसको हम प्रॉपर परस्पेक्टिव में आप सबके सामने रख सकें।